सो हे गाइस व्हाट्स अप, आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है बहुत सारी इंटरेस्टिंग हिप हॉप अपडेट्स, तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना। और यार जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ ही बेल आइकन को भी इनेबल कर देना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहें। तो अब हम चलते हैं अपडेट्स की तरफ। तो पहली अपडेट आ रही है डिवाइन की तरफ से। सो फाइनली डिवाइन ने अपने अपकमिंग एल्बम का नाम जो है रिवील कर दिया है। एल्बम का नाम होने वाला है पुण्य पाप, और इस एल्बम का नाम जो है डिवाइन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू रिवील किया था। सो लेट्स वेट एंड वॉच कब तक हमें एल्बम सुनने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो अगली अपडेट आ रही है बादशाह पाज की तरफ से। सो अभी रिसेंटली जो है बादशाह पाज ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये लिखा, मैजिक इज नॉट इन द ट्रिक, मैजिक इज इन द वे इट्स प्रेजेंटेड। बाकी ये लाइंस उन्होंने किसके लिए लिखा है वो चीज अभी कंफर्म नहीं है। तो अब हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो अगली अपडेट आ रही है रफ्तार पाजी की तरफ से, और रफ्तार पाजी की तरफ से जो है दो मेजर अपडेट्स आ रही है। सो पहली अपडेट ये है कि इसी महीने जो है रफ्तार पाजी का एक ट्रैक आउट होने वाला है विद कृष्णा। बिकॉज अभी रिसेंटली जो है रफ्तार पाजी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पिक शेयर किया जो कि एक वीडियो शूट का पिक था। उसके अंदर जो है रफ्तार और कृष्णा दिखाई दे रहे थे एक साथ। देन इसी पिक को जो है कृष्णा ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर किया हुआ था, और उसके ऊपर लिखा हुआ था सून। सो इस ट्रैक का एक छोटा सा मेकिंग वीडियो भी जो है रफ्तार पाजी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में शेयर किया हुआ था। सो रफ्तार पाजी की स्टोरी को जो है अंकित खन्ना ने रिप्लाई दिया था, जिसमें कि अंकित खन्ना ने जो है इसकी रिलीज डेट लिखी हुई थी जो कि था 29 सितंबर। सो उसका स्क्रीनशॉट जो है कृष्णा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर किया हुआ था। सो 29 सितंबर को जो आपको ये गाना सुनने को मिलने वाला है, तो वेट करो, ट्रैक आपको सुनने को मिल जाएगा। और जो दूसरी अपडेट आ रही है रफ्तार पाजी की तरफ से, वो उनके फैंस के लिए बहुत ही बुरी खबर है। वो खबर ये है कि रफ्तार पाजी जो अभी रिसेंटली कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। सो इसके रिगार्डिंग जो है रफ्तार पाजी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में कुछ वीडियोस भी शेयर किया हुआ था। सो एक बार देख लो उन्होंने उन वीडियोस में क्या कहा था आखिर। नमस्ते एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? आई होप एवरीबॉडी इज फाइन। चलो जल्दी से आपको एक अपडेट देना था कि मुझे एक्चुअली रूडीज पे जाना था, और रूडीज पे जाने के लिए हमारा कोविड टेस्ट हुए थे, जिसमें से मेरे दो टेस्ट नेगेटिव आए, और आज जो टेस्ट आया उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया। तो मुझे बीएमसी ने अभी बोला है अपने आप को आइसोलेट करने के लिए, और मैंने घर में अपने आप को आइसोलेट कर रखा है, आई एम अलोन। और अभी अगले टेस्ट की वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है टेक्निकल एरर है, क्योंकि मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है। आई डोंट फील लाइक मुझे कोई बीमारी है, कोई ऐसे ट्रेट्स या सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, बट इट्स माई ड्यूटी टू आइसोलेट माई सेल्फ। और मैं सबको बोलूँगा कि आई एम फाइन फिट, पर जो भी होगा आपको अपडेट कर दूंगा, जस्ट डोंट वरी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे कॉल्स वगैरह आने लग गए हैं। आई डोंट नो बाहर इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है, और इसमें कोई मिर्च मसाला नहीं है। तबीयत ठीक है, रिपोर्ट ऐसी आई है, ख्याल रखूंगा अपना। मैंने सोचा सबसे पहले खुद ही आपको बता दूं, आप भी ख्याल रखना यार, टेक केयर। तो अब हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो अगली अपडेट आ रही है एमवीए बंटाय की तरफ से। सो भी रिसेंटली जो है एमवीए बंटाय ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में रेहान पाटनी का क्यूएनए सेशन शेयर किया हुआ था, जिसमें कि रेहान पाटनी के एक फैन ने उनसे ये क्वेश्चन किया हुआ था, व्हेन आर यू डूइंग नेक्स्ट वीडियो विद एमवीए, बी ऑनेस्ट। सो इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए रेहान पाटनी ने ये लिखा हुआ था, इट्स अ यूनिवर्सल प्रोसेस, इट हैपेंस व्हेन इट हैपेंस। सो इसका मतलब यही होता है कि एमवीए बंटाय का कुछ बड़ा प्रोजेक्ट जो है आने वाला है, बाकी वेट करो, अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो अब हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो अगली अपडेट आ रही है बोहिमिया पाजी और अमृत मान की तरफ से। सो इन दोनों का बहुत ही जल्द एक कोलैब ट्रैक आउट होने वाला है। बिकॉज अभी रिसेंटली अमृत मान ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम स्टोरी में बोहिमिया पाजी के गाने सुनते हुए एक वीडियो डाली, और उसके नीचे ये लिखा हुआ था, आवे गाना बोहिमिया भाई नाल। सो ये कोलैब भी हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। तो यार अभी के लिए बस इतनी अपडेट्स है। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग हिप हॉप अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूले। सो स्टे होम स्टे सेफ, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।